मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मामले पर नीतीश कुमार ने बड़ा और सख्त फैसला किया है। तेजस्वी यादव समेत लालू परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार के मामलों में केंद्रीय एजेंसियों के बढ़ते शिकंजे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जेडीयू की अहम बैठक की। इस बैठक में तेजस्वी के मुद्दे पर जेडीयू ने आरजेडी को तेजस्वी यादव के इस्तीफे पर अगले 4 दिनों में फैसला लेने को कहा। अगर इस दौरान आरजेडी कोई फैसला नहीं लेती है तो जेडीयू एक बार फिर इस पर चर्चा के बाद कोई फैसला लेगी। आरजेडी विधायक दल की बैठक में फैसला किया जा चुका है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी के इस फैसले का साफ मतलब है कि नीतीश तेजस्वी का इस्तीफा चाहते हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश ने कहा कि उन्होंने अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू चाहती है कि तेजस्वी के भविष्य पर आरजेडी ही फैसला करे। जेडीयू ने कहा कि आरोपों पर तेजस्वी यादव को जनता के सामने जवाब देना चाहिए। जेडीयू के इस तरह के फैसले के बाद महागठबंधन के दोनों अहम सहयोगियों के बीच बड़े टकराव की स्थिति हो सकती है। वैसे बैठक के बाद नीतीश की तरफ से कोई बयान नहीं आया। बैठक के बाद पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान में इस बात का कोई जिक्र भी नहीं था कि तेजस्वी के मसले पर चर्चा हुई या नहीं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता रमई राम ने आरजेडी को तेजस्वी के मसले पर 4 दिन का वक्त दिए जाने की बात कही। अब देखना ये होगा कि आरजेडी इस मसले पर क्या कहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। रेड नेटवर्क की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, इस बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।